डाल्टनगंज दक्षिण विकारियट के युवा निर्देशक फादर प्रदीप बकला को दो शब्द के लिए मंच पर आमंत्रित करता हूँ। मैं तो यहाँ डांस करने के लिए नहीं आया हूँ। डांस देखने का मन कर रहा है क्या? अगले बार जब यूथ कन्वेंशन होगा जरूर मैं डांस करके दिखाऊंगा। आदरणीय फादर एम के जोश, सेंट जेवियर्स कॉलेज महुआडाड़, फादर रोशन किरकेटा, फादर यशवीर, फादर समीर, फादर रजीत, फादर्स, सिस्टर्स और मेरे प्यारे युवा साथियों, आज का दिन ईश्वर के नाम पे हमने शुरू किया और विशेषकर इवनिंग का हमारा प्रोग्राम दावना पारिस से जर्नी किया और कंजिया पारिस में जाके अटक गए हैं। और जिन्होंने इस स्टेज पर आके अपना हुनर दिखाया, हम सभी युवाओं को अपने कार्यक्रम के द्वारा हमें मनमोहक किए हैं, हम उनके प्रति कृतज्ञता प्रकट करते हैं। और विशेषकर मैं उन पल्लियों के युवाओं को बतलाना चाहता हूं कि इस तरह का मौका जब मिलता है हम लोग बढ़ चढ़ के भाग लेंगे, क्योंकि सिर्फ अपनी खुशी नहीं लेकिन दूसरों के लिए खुशी हम दे पाएंगे। और इसीलिए जब हम इस तरह का माहौल रहता है, इस तरह का युवा सम्मेलन रहता है, प्रोग्राम दी गई है, हर एक पल्ली से हम कोशिश करेंगे कि सांस्कृतिक कार्यक्रम परफॉर्म करें और दूसरों के लिए प्रेरणा का स्रोत बने। आज का दिन अच्छा रहा और कल हम अपने अपने घरों पे चले जाएंगे। हमने आज बहुत कुछ सीखा है और कल फर्स्ट हाफ आधा बेला में हमने बहुत कुछ सीखेंगे। मैं आशा करूंगा कि जो समय हमें दी गई है उसको सही तरीके से उपयोग करेंगे और तब हम जीवन की सफलता को हासिल कर पाएंगे। कुछ ऐसे हमारे बिंदु हैं, उनको ध्यान देने की ज़रूरत है। जैसे हमने 2022 में पूरे झान युवा सम्मेलन किए, उसके बाद अभी धर्म प्रांतीय युवा सम्मेलन चल रही है और होगी, आते रहेगी। इसमें हम लोगों को सीख लेनी है कि हम अपने जीवन में किस प्रकार से युवा का महत्व को समझ रहे हैं। हमारे बहुत सारे रिसोर्स पर्सन्स लोग आए, हम लोगों को अवगत करा रहे हैं कि हम युवा होने का गौरव, युवा होने का मतलब को समझें। युवा पीढ़ी एक बार गुजर जाएगी, लौट करके नहीं आएगी। और इसीलिए जब युवा हैं तो हम जोश और जो भी कार्य को सौंपा जाता है बखूबी से करेंगे और आने वाले जो भविष्य है उनकी सफलता हासिल कर पाएंगे। और विशेषकर मैं सूचना के तौर पर मैं बतलाना चाहता हूँ, कल का प्रोग्राम 5 बजे उठना है, उससे पहले भी उठ सकते हैं अगर आप चाहें तो, पूरा रात डिस्टर्ब नहीं करना है। और उसके बाद 6 बजे फिर हमारे बीच में फादर दीपक किंडो SDV रांची से आने वाले हैं। वे आएंगे और हमें अपने मोटिवेशनल स्पीच से मोटिवेट करेंगे।
और उसके बाद फिर कैप्टन जेशन का सेशन रहेगा 10:30 बजे से, और उसके बाद 11:30 बजे हम लोगों का मिसा पूजा, और उसके बाद में हम अपने अपने जगहों पे चले जाएंगे। आज का प्रोग्राम, कल्चर प्रोग्राम बहुत अच्छा था, और जितने भी प्रतिभागी यहाँ पे आए थे उनके लिए हम जोरदार तालियों के द्वारा हमें उन्हें प्रोत्साहित करेंगे। शायद वे अपने अपने जगहों पे चले गए हैं इसलिए स्टेज में लाना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन फिर भी हम दिल की गहराई से उन्हें धन्यवाद दे रहे हैं। और विशेषकर आप सभी युवा साथी, आपने इंजॉय किया, बहुत इंजॉय किया कि नहीं किया?